हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इसमें हमें दिया है क्या, ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एन बराबर 3k+2, देन वैल्यू बतानी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 2n। ठीक है, अपना ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर अपन ओमेगा की पॉसिबल वैल्यू देखें, ओमेगा की पॉसिबल वैल्यू बराबर 1 हो जाएगी अगर अपन सोचें तो ओमेगा बराबर क्या हो जाए, ई की पावर 2 पाई i/3 लिख सकते हैं अपन, मतलब। और ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं, ई की पावर 4i/3 लिख सकते हैं अपन। अगर अपन इसमें पुट करेंगे क्या, ओमेगा की वैल्यू अपन ने 1 मानी है, अगर 1 पुट करें तो मेरा हो जाएगा 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3k+2, ये एन की वैल्यू पुट कर दी अपन ने, ठीक है, बराबर हो जाएगा मेरा 1+1 बराबर ये 2 हो जाएगा। अपन ओमेगा बराबर पुट करें क्या, ई की पावर 2 पाई i/3, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, ई की पावर 2 पाई i/3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये ई की पावर 2 पाई i/3 की का स्क्वायर, और इसके ऊपर कितनी पावर 3k+2, ये मेरा हो जाएगा कितना, ई की पावर 4 पाई i/3 प्लस ई की पावर माइनस का 4 पाई i/3, मतलब ये हो जाएगा कितना, ये -1, ये +1, मतलब ये 0 हो जाएगा। अब लास्ट वाली वैल्यू देख के देख लें अपन, ई की पावर कितनी रखते हैं, देखिए ई की पावर 4 पाई i/3 ये रख देते हैं अपन, तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा, ओमेगा बराबर ये रख के देखते हैं अपन, तो अपन को मिल जाएगा क्या, ई की पावर 4 पाई i/3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ई की पावर 4 पाई i/3 का ऊपर 2, अंदर क्या बचेगा, 3k+2, ये हो जाएगा 3k+2, तो ये हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा ये 8 पाई i/3, ठीक है, प्लस हो जाएगा ई की पावर -8 पाई i/3, ये बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -1 प्लस 1, ये भी 0 हो जाएगा। तो वैल्यू अपन को क्या की बतानी है, ओमेगा की प्लस ओमेगा की पावर 2n की, ठीक है, तो ये मेरी हो जाएगी कितनी, -1 हो जाएगी, ठीक है, थैंक यू। -1 अपन को सेकंड में दिया, तो सेकंड अपना करेक्ट हो जाएगा, थैंक यू।